सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एस अप लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने के पहले क्या क्या होमवर्क घर पे करना है। एक कहावत है, जैस देवता तैस चढ़ावा, मतलब कि जितने नंबर के देवता हैं आपको एग्जामिनेशन में उतना ही चढ़ावा चढ़ाना है। मान लिया कोई सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन है और आप उसका आंसर ढाई पेज में लिख रहे हो। एक बात ध्यान रखिए कि जो कॉपी जांच रहा है वो कोई कंप्यूटर नहीं है, वो एक मनुष्य है और उसकी तरीके, जो मनुष्य के अंदर सारी बुराइयां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, वो सब उसके अंदर है। वो एक नंबर के लिए जब ढाई पन्ने आपके पलटेगा तो गुस्से से भर जाएगा और उसका प्रभाव आपकी बाकी कॉपी पर दिखाई देने वाला है। अब आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। मान लिया 3 आवर्स का आपका पेपर है और 100 मार्क्स का है, तो उस 3 आवर्स में हुए 180 मिनट्स, इसमें से 10 मिनट आप माइनस कर दीजिए, बचे 170। 10 मिनट किसके कि आपको हो सकता है एक आध बार वॉशरूम जाना पड़े, पानी पीने जाना पड़े, टीचर 5 मिनट पहले से चिल्लाने लगते हैं कॉपी बांधो टैग करो, तो समय बचा आपके पास 170 मिनट्स। अब 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू कितनी आई, 170 डिवाइडेड बाय 100, 1.7 मिनट। राउंड में ले ले तो 1.5 मिनट। मींस आपको एक नंबर का क्वेश्चन कितनी देर में करना है, 1.5 मिनट में। इसी तरह 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितने का हो गया, 3 मिनट्स का। इसी तरह से अपने नंबर और टाइम का एडजस्टमेंट करिए। ये एक एग्जांपल दिया मैंने, आप अपने मैक्सिमम मार्क्स और टाइम को डिवाइड करके अपना कैलकुलेशन लगा लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में कभी किसी को देख कर प्रेशर में ना आए। होता क्या है कि हम तो अभी एक कॉपी का चौथा पन्ना लिख रहे हैं, बगल वाला स्टूडेंट गया, उसने कहा सर बी कॉपी, और हम उतनी देर में प्रेशर में आ गए। अरे किसी को ज्यादा लिखने से नंबर मिलते हैं क्या? सही लिखने से, एप्रोप्रिएट आंसर देने से नंबर मिलते हैं। कॉपियों में लफाजी लिखने से, राम कथा लिखने से कभी नंबर नहीं मिला करते। और आपका प्रेजेंटेशन ऐसा हो जो बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर को करें, आपको जो पेपर रीडिंग का टाइम मिलता है उसका फुल यूज करिए। जो 15 मिनट आपको मिले उसमें आपको जो जो क्वेश्चन छोड़ना है, ऑप्शंस में जो क्वेश्चंस है उसको कहीं मार्क कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है उसको मार्क कर लीजिए। तो इस टाइम का बहुत अच्छी तरीके से आपको यूज करना है।